गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे। अभी सुबह के 7:10 हो रहे हैं, ये देखो वॉच, 7:10 हो रहे हैं ना। मैं मॉर्निंग वॉक करके आ गई हूँ, मेरा मेडिटेशन भी हो चुका है और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी कर ली, तो मैं सोची आप लोगों से बात कर लूँ। जनरली मैं इस टाइम तो फ्री नहीं रहती हूँ योगा करने के बाद, फिर मैं कुछ छोटे मोटे घर के काम को निपटाती हूँ, मेरा सेशन नहीं है। तो जो भी मैं थोड़े बहुत काम करती हूँ मॉर्निंग में, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मेरी पिछली वीडियो को इतना ज़्यादा प्रेम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की तहे दिल से आभारी हूँ जो अपना कीमती समय 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट निकाल करके मेरे वीडियो को देखते हैं और मेरी सराहना करते हैं। प्लीज़ इसी तरह मुझे मोटिवेट करते रहो कि मैं आगे बढ़ूँ और काम करूँ, आप लोगों को इंटरटेन कर सकूँ। और जो छोटी मोटी गलती हो प्लीज़ उसे अनदेखा करना, बिकॉज मैं भी अभी इसमें न्यू हूँ, मुझे उतना आइडिया नहीं है। मैं खोल ली हूँ, ना मैं किसी को सर्च करती हूँ, ना मैं किसी को देखती हूँ, ना मैं किसी को कॉपी करती हूँ। जो मुझे आता है, जितना मैं जानती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हर तरह से ट्राई करती हूँ कि क्या आप लोगों को दिखाऊँ जो आप लोगों को अच्छा लगे, आप मेरे से इंटरेक्ट हों और मेरे से जुड़े रहे। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से, तो धीरे धीरे थोड़ा मैं भी फ्रेंडली हो जाऊँ, थोड़े आप भी फ्रेंडली हो जाओ, आप लोग भी अच्छे से रहे, अपना ध्यान रखें। अभी कोविड पीरियड बहुत ही डेंजरस फेज में है, तो सब अपना ध्यान रखें प्लीज़। घर में सेफ्टी बरते, कुछ दिन घर से बाहर नहीं निकलोगे काम के लिए तो कुछ नहीं होगा, सुरक्षित रहोगे तो बच्चों के लिए, परिवार के लिए आप सबसे बड़ी संपत्ति हो। तो आप लोग सब अपना ध्यान रखो, मेरे जो भी मेल फीमेल फ्रेंड्स हैं प्लीज़ आप लोग अपना ध्यान रखें, प्रिकॉशन रखें और हेल्दी डाइट ले, मॉर्निंग वॉक करें। मैं ऐसे मास्क में ही जाती हूँ क्योंकि मुझे सांस की थोड़ी प्रॉब्लम, इसलिए आप मेरे वीडियो में देखते होंगे कि मैं बिना मास्क के रहती हूँ, बट मेरे पास रहता है मास्क। मैं भीड़ भाड़ में जाना अवॉइड करती हूँ और थोड़ा सा दौड़ने उड़ने के टाइम में मुझे मास्क उतारने पड़ते हैं, और पिक वगैरह जब मैं डालती हूँ वीडियो के लिए, जब मैं शूट करती हूँ उस समय मास्क उतार लेती हूँ। बट अदरवाइज मैं एनी टाइम मास्क यूज करती हूँ बाहर जाते टाइम, और आने के बाद हाथ अच्छे से सैनिटाइज करके, नीचे वो तो मैं दिखाई थी आपको, सैनिटाइज करके अच्छे से हैंड वॉश करके फिर घर आती हूँ। तो मैं सेफ रहती हूँ, आप लोग भी अपना ध्यान रखें। और बाहर से जो भी फल सब्जियाँ लाए तो कोशिश करें 2 दिन उसे ना ही यूज करें, आप उसे अलग रख दें, और उसके बाद 2 दिन के बाद जब आप लाए तो उसे नमक वाले पानी से, ज़्यादा नहीं कुछ कर सकते हैं तो नमक वाले पानी से अच्छे से सारी सब्जियों को धो करके थोड़ी देर छोड़ दें, फिर यूज करें। ताज़ी जो भी चीज़ आप लाते हैं ना, चाहे राशन हो सब्जी हो, प्लीज़ तुरंत यूज ना करें। कोविड बहुत ज़्यादा फैल रहा है और बच्चों को घर में ही रखें, घर में ही उनके साथ खेले, छोटी मोटी जो भी गेम होती है, जैसे मदर्स हैं वो कुछ चेस खेल सकती हैं, लूडो खेल सकते हैं, अंतराक्षरी के लिए अच्छा लगेगा, सबको मज़ा आएगा। जो भी दादा दादी चाचा चाची हैं सबके साथ बैठ करके बच्चे खेल सकते हैं, छोटी छोटी गेम लुका छिपी भी घर में खेल सकते हैं। प्लीज़ कोई बाहर मत जाओ और हेल्दी डाइट लो, ज़्यादा तेल मसाला मत खाओ कोई भी, वो बहुत ही हार्मफुल होता है। आप अगर ज़्यादा तेल मसाला लेते हो ना तो आपकी जो श्वास नली है उसमें आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, एक तो आपको खाना जल्दी पचेगा नहीं और उसके बाद बीपी बढ़ेगी, और अभी कोरोना पीरियड में बीपी प्रेशर का बढ़ना ही बहुत हार्मफुल है। जो भी डायबिटिक हैं तो आप लोग अपना ध्यान रखें, प्रिकॉशन ले और सही डाइट ले, और बाहर नहीं है आपके यहाँ ज़्यादा स्पेस खुला हुआ तो घर में ही रनिंग कर ले। बाबा रामदेव का योग भी आप कर सकते हैं, टीवी में कितना अच्छा आता है, तो आप उसे डाउनलोड करके फ़ोन में, आजकल तो हर बच्चे बूढ़े सबके पास फ़ोन रहता है, तो बाबा रामदेव जी का जो है योगासन वगैरह आप कर सकते हैं, और वो बताते हैं कि आपको क्या लेना चाहिए, काढ़ा वगैरह बताते हैं पीने के लिए, तो वो पिए आप ज़्यादा। और बहुत लोग हैं कि जो जिनके दिमाग में ये वहम बैठ चुका है कि गरम गरम चाय और कॉफ़ी पीने से 4 बार कोरोना इफेक्ट नहीं करेगा, नहीं मत लो, बहुत हार्मफुल है वो, आपके डाइजेस्टिंग सिस्टम को इतनी बुरी तरह से प्रभावित करेगा, आपके पेट में इतना गैस बनेगा, आप कोरोना से तो बाद में गैस से पहले ही बीमार पड़ के बैठ जाओगे। तो उतना चाय कॉफ़ी लेने की ज़रूरत नहीं है, आप हैबिचुएटेड हैं तो एक बार ले, बट सुबह में खाली पेट ना ले, उसके साथ कुछ बिस्किट वगैरह भी ले। तो मैं खास करके यही चाह रही थी कि आज आप लोगों के साथ बैठूं, क्योंकि हमारे इधर भी, जैसे मैं अभी गुड़गांव में हूं तो इधर भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ, और मेरे शहर में बिहार पूर्णिया में बहुत ज़्यादा फैल चुका है, उधर मैं तो इतना डर रही हूँ कि मैं क्या बताऊँ।
मुझे तो बहुत ही टेंशन हो रही है घर वालों की, कैसे होंगे, क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप उनके बीच रहते हो तो आप देखते हो कि किस तरह से वो रह रहे हैं, और अलग रहते हो तो फिर टेंशन तो बनी रहती है। तो मैं फ़िलहाल तो उन लोगों से अलग हूँ ना, तो चिंता तो लगी रहती है कि किस तरह से होंगे, और ख़ास करके पापा के बारे में तो और भी टेंशन होती है। कल की न्यूज़ तो आप सबको पता ही होगा कि हमारे जो दिग्गज अभिनेता हैं अमिताभ बच्चन जी, उनके पूरे फैमिली में कोरोना पूरी तरह से फैल चुका है। नो डाउट कि हमसे आपसे बहुत ज़्यादा वो प्रिकॉशन लेते होंगे, और उनके हाई लेवल के डाइटिशियन होंगे जो उनका डाइट चार्ट बनाते होंगे, लेकिन फिर भी कोरोना से नहीं बच पाए। तो प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ आप अपना ध्यान रखें, घर से बाहर अकारण ना जाएं, ज़रूरी पड़ने पर ही जाएं। कुछ दिन की बात है, अपनी डाइट चार्ट को सही कर लीजिए, सब सही हो जाएगा। और लास्ट में एक बात और कहूँगी, मेरी वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंटरटेन कर रही है तो मुझे अपना सपोर्ट दे प्लीज़। मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं अभी नई हूँ इस फील्ड में, तो आप लोगों की सहयोग की बहुत ज़रूरत है मुझे। जो नए व्यूवर्स हैं, जो नए मुझे आज देख रहे हैं पहली बार, तो प्लीज़ मेरे पिछले वीडियो को एक बार देखिए, आपको अच्छा लगेगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो अब मैं चलती हूँ, मुझे घर के छोटे मोटे कुछ काम निपटाने हैं, और आप लोगों के लिए वीडियो भी मैं शूट करूँगी। मॉर्निंग का टाइम है, काफ़ी काम है, मैं पिछले दो तीन दिनों से आप लोगों से बात नहीं कर पा रही थी, तो इसलिए मैं सोची कि बात कर लूँ। और मैं नए नए तरीके से वीडियो को बनाती हूँ, आप लोगों के बीच में रखती हूँ, कभी सॉन्ग वगैरह डाल करके, कभी बोल करके। मैं चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि आप किस तरह से उसको लाइक कर रहे हैं। तो आपको जैसा पसंद हो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, आप जो चाहते हैं मैं उस हिसाब से आप लोगों के सामने आऊँगी। तो अब मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।